नमस्कार, राम राम दोस्तों, स्वागत है थारो मेरे ई चैनल पर एक नए वीडियो के सगे। ओ वीडियो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की ग्राम पंचायत मोहन मगरिया गो है। आ रोड है जिकी मोहन मगरिया गांव ने जावे है और मैं थाने मोहन मगरिया गांव ले रहे जान लाग रही हूँ। मी गांव के बारे में थाने संपूर्ण जानकारी बता छूँ। ये गांव ने कण बसायो और इन गांव को नाम मोहन मगरियो क्यों रखियो गयो, वे सारी बातें वीडियो में बता सियाँ थे। लगातार वीडियो देखता रहियो। मोहन मगरिया गांव है जिको हनुमानगढ़ 30 किलोमीटर की दूरी पर है और हनुमानगढ़ दक्षिणी पूर्वी दिशा में मेगा हाईवे रोड पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर व रावसर सू 22 किलोमीटर की दूरी पर वो गांव बसेड़ो है। गांव का इतिहास में पुराने समय में अठे कोई मोहन और मगरा नाम का दो ग्वाला आया जिका का नाम हुई गांव को नाम मोहन मगरिया रखियो गयो है। ओ जिको ते सामने देखने लाग रहा ओ ही है गांव मोहन मगरिया जिके अंदर अब आप चला। ई मोहन मगरिया गांव ने बसान आला जिका सूरजा राम गोदारा बे पहली गांव में आया बने अठे भूमिया के रूप में वो गांव पूजे है। बतायो जावे है कि अठे सूरजा राम जी का गुदारा बे ब्राह्मण समाज ने, स्वामी समाज ने, मेघवाल समाज और कुमार समाज और की और समाज आज का बने अठे बसाया और आज वर्तमान में भी गांव के अंदर सूरजा राम जी गोदारा है जिका का वंशज है बे गांव में रहने लाग रहा है। ओ सामने जिको थे देखने लाग रहे हो ओ मोहन मगरिया गांव को प्राचीन कुओ है जिका का की अवशेष अजय बचेड़ा है जिका थे सामने देखने लाग रहे हो। अरिंग चारों पासों झाड़ झंपड़ किकर अरबे खड़िया है जिको लुकेड़ो है जिको दिखे को नहीं पूरो पर फिर भी मैं थाने दिखाने को प्रयास करा। गांव का बतावा है कि पुराने समय में वो कुओ जिको हनुमानगढ़ टाउन का इसारिया जी का सेठ आ बा धर्मार्थ के रूप में बनवायो बतावा है और इं कुए को पानी कोई ज़्यादा बढ़िया कोनी हो, खारो बतावा है पर डांगर पशुआ ने प्याण खातर फिर ठीक हो और पानी के कमी के कारण खातर दूसरे गाँव में भी पानी लेता जहाँ रावसर है आस पास का जिका गाँव है बामू पानी गाँव का लेग रहता। गांव का बतावा है कि प्राचीन समय में ई कुआ पानी लाव और ऊंठा के द्वारा निकालो जातो और गांव गांगी सारंगी अलग अलग बारी आंती बिया ये पानी निकालने सारा आता। वो जिको मंदिर है वो भी कुएं के सागे ही बनेड़ो बतावा है, पुराणो मंदिर है। पुराने समय में कह अठे 10-12 घर की आबादी और आज वर्तमान में 500 घर की आबादी है और शिक्षा के क्षेत्र में ई गांव का 90% लोग पढ़िया लिखा बतावा है और 20% सरकारी नौकरियां में लगेड़ा है। ई गांव में सारी जाति और धर्मा का लोग रहे है और प्रेम भाव और भाईचारे के सागे ई गांव में रहने लाग रहे है। मोहन मगरिया गांव को इतिहास और कुएं के बारे में अठेगा बुजुर्ग लालचंद स्वामी, वर्तमान सरपंच राजेश कुमार नायक, रणजीत सुतार और बुद्ध राम जी का मैंने इन बारे में पूरी जानकारी बताई बा मैं थाने दिखाना चाहूँगा। नाम लालचंद साहब स्वामी आजाद, उम्र मेरी 67 साल की है, अब एक दिन 67 साल की बनो। गांव मेरो वही है मोहन मगरिया ही है। मेरा नाने रहा पर मैं अठे मोटो हो अठे जन्म हो अठे में पढ़ाई करी 5वीं तीन अठे पढ़ियो बस 3 साल पास पढ़ियो गंगानगर गयो 3 साल पास रहो बाकी फिर मैं अठे डॉक्टरी करी अठे मेरी सारी उम्र पूरी करी है। मैं तो गांव के बारे में बताओ। हाँ जी, अठे मोहन और मगर दो भाई नाम का आया बतावे है, मैं तो देखियो को नहीं आया भाई दो भाई रेवड़ी ले गया या गया ले गया भाई अठे कोई चलता भाई अठे पानी वास्ते रुक गया भाई रात वास्ते रुक गया भाई बोले गाँव गाँव या कि मिले भाई अठे गाँव आप डेरवड़ा लियो गाँव बसा लियो। अच्छा मी बाद में दो घरे मेरे तो याद आवे, एक बनता हूँ घरे एक मारे मेरे नाना को वो 100 साल पहले मेरे नानू आया, मेरे नानू तो बाद में आया मतलब श्रीरामदास बाद में आया, पहले गोदारा आया श्री रामलाल
बमन को बाप आयो, रामलाल को बाप हो, फिर नाम तो मेरे ध्यान को बे आया। गांव 250 साल के करीब है, सब 250 ऊपरी एक मंगोनी। जद कितना घर आटे जना कोई 5-7 घर आ, 5-7 घर होता बतावे मां नानो जी बतानता। और मेरे तो के याद मां नानो जी आ मैं बतानता के राजेश कुमार नायक सरपंच ग्राम पंचायत मोहन मगरिया। तो मोहन मगरिया के इतिहास के बारे में बताना कि अठे शुरू शुरू में मोहन और मगर दुमान आया बांगे नाम पर ही बुजुर्ग गाँव कहना है भाई बांगे नाम पर ही इन गाँव को नाम मोहन मगरिया पड़ा। और बींगे बाद में अठे दो जिया परिवार आया गोदारा और ब्राह्मणा पंडित। तो बींगे बाद में धीरे धीरे गांव में विकसित होते गए हो और कई मींगे बाद में तो वहाँ कई जातियाँ आएगी, सिल्लू है, नायक है, नेकवाल है, सब धीरे धीरे एक एक दो दो घर आना शुरू हो ही गया। नाम तो मेरे बुद्राम है जी। चलो क्योंकि बोलो बोलो। हाँ गांव के बारे में तो इतनी बात है जी कि भूमिया साहब को बसाया है सुरदार राम चौधरी को गांव मोहन मगरी। कितना साल पहले बसाया जी? साल को तो है कि अब मैं मान लेगा 60 को तो मैं हो रही हूँ, मेरे पहली को मैं सोच पकड़ी थी गाँव पे बसाई देखी है। आईडियो तो हो सके मान लेगा 150-200 साल पहले तो हो गए पुरानो पहल पर शुरू पर चालू करता था मिठू पानी निकलते हो और बाद में खारो हो जाते हो तो खारो पानी लोग घरे लाता ज़्यादा ज़्यादा खारो भी कौन हो भैया पशु पी लेता कपड़ा धो लेता या काम में ले लेता। बाकी फिर पीने वाला पानी मिठू रंजीत पर लाता या राव को लाता पशु लाता पानी अच्छा को कोई व्यवस्था को नहीं पानी पीने गाँव वाला बनायो कि कण बनायो वो कोई शेठ बनाए बतावे कोई पुनार्थ में पानी है हर बहुत थारे के नाम है नहीं मैं पानी किया निकालता कुएं को लाभ लाभ ऊँट ने जोड़ के दो ऊँट होता ऊँट ने एक ने बिना एक दूसरों बिंग ने पानी वो खाली करते तो दूसरों उड़ जाते फिर लाभ गमा दो तीन आदमी गाँव में बारी होती कि आज से बन में आज से बन में पानी काट में आज से पानी काट में बारी बारी से नंबर वाइज उनको कहनो है कि कुओ है बिंगो पानी है जो बहुत खारो तो पानी लियान खातर है बहुत बारे जानो पड़ता हो डबड़ी है राउतसर है पीने को पानी बठू ले गया था। और कुओ पुरानो भी है 250 साल है पहला जहाँ गाँव में की स्थापना हुई बिंग हिसाब से कुओं तो बहुत पुराना है। कुओं साहब मैं तो समझ पकड़ी था तब बगते देखे मैं तो बहुत वो जी को है सब पुराना जो गांव बसे उबी टाइम में पानी होता कौन हो तो वहाँ सारिया जिया मानगढ़ टाउन हुआ वहाँ आगे वो कुओं बना दिया उठे धर्मार्थ रूप में वहाँ की स्थापना है कुएगी। ये मोहन मगरिया गांव में एक गौशाला भी बनेड़ी है जिकी श्री कृष्ण गौशाला है और ये गौशाला को पहलो मुख्य दरवाजो है जिको अठेगा चौधरी राम प्रताप जी गोदारा बांगी याद में गोदारा परिवार तरफ बनाईडो है। आज की जगह थे देखने लाग रहा और सेम ग्रस्त एरियो बतावा है पहली आज की गौशाला की जगह है बा इंद्रिया की इनको सुधार करके और इन गौशाला को निर्माण करेड़ो बतावा है। और दूसरो प्रवेश द्वार है इन गौशाला को जिका वो निर्माण है वो भागीरथ जी गोदारा इन गांव का रहने वाला है बांगो बनवाइडो है। ए इन गौशाला का अलग अलग नोरा बनेड़ा है जिका में गोवंश ने रखा जावे है। और इन गौशाला को एक नोरो है जिका को थाने में दृश्य दिखाऊं ई मैं ठाण बनेड़ा है जिका मैं तूड़ी चारो हरियो जो इं गोवंश ने डालियो जावे है और सागे पानी की व्यवस्था की ओद भी ई मैं बनेड़ी है। आ गौशाला 20 साल पुरानी बताई जावे है। ई गौशाला को श्री कृष्णा गौशाला सेवा समिति का नाम रजिस्ट्रेशन होइडो है। ई गौशाला में 400
ज्यादा गोवंश है। गौशाला की सार संभाल गांव वे गांव की जो गौशाला की समिति बनेड़ी है बिंगे द्वारा करी जावे। गौशाला को निर्माण गांव के जन सहयोगियों करायो गयो है। सागे ई गौशाला में गौवंश ने चारो पानी आदि सेवा करन खातर जिकी समिति बनेड़ी है बिंगे द्वारा कुछ कर्मचारी रखेड़ा है जो सेवा करे है। और सागे गांव का लोग भी सुबह शाम आ गए ई में आपको योगदान देवे है। ई गांव की एक विशेषता आ भी है कि अठे कोई भी गौवंश है जिको घड़िया में आवारा घूमतो कोनी मिले, क्योंकि ई गौशाला में सारे गौवंशों की व्यवस्था बढ़िया तरीकों करी गई है। ए जिका सामने गोदाम बनेड़ा है आमे तूड़ी चारो आ गौवंशा खातर भरेड़ो है और समय समय पर लोग खेताऊँ हरियो चारो लियागे भी आने डालता रहे है। अलग अलग गायों का अलग अलग नोरा बनेड़ा है जिका माने फोर बदल करता रहे है। बे खाली है जिका सूखा हो जाए पिंग बाद में आने सुबह शाम चारो डाले जब बे दूसरे नोरे में कर दे। गौशाला में छोटा गौवंशा को अलग नोरो बना रखे है और बड़ा को अलग बना रखे है, अलग अलग ही आने रखे है। हाँ अलग अलग गौवंशा को दृश्य थे सामने देखनी लाग रहा हो। इंग अलावा इमें एक बहुत बड़ो नोरो बना रखे है जिके चार दीवारी है भी में ए नंदी जी का अपा गोदा बोला बांगो अलग व्यवस्था कर रखी है जिका खुले में ई नोरे के अंदर रवे है। बड़ा में बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है गौवंशा वास्ते जिकी बहुत ही सराहनीय है। गौवंशा खातर बंटो तैयार करियो जा रियो है जिको पशुआ ने डालियो जावोगो। गौशाला का कोषा अध्यक्ष रणजीत सुतार वे सरपंच राजेश कुमार नायक और अठगा एक बुजुर्ग द्वारा इनके बारे में जानकारी दी गई। मेरा नाम रणजीत सुथार, पिता श्री तेजाराम सुथार, मैं PhD रिटायर कर्मचारी हूँ। सेवा काल मेरो मई में पूरा है और 20 साल लगातार हमारे स्थापना जी गौशाला की 20 साल हुआ लगभग अनुमानित। जद गौशाला में मैं स्थापना शुरू ले गया आज तक आज और अभी मैंने ग्रामवासी उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष ऊपर दे दिए वहाँ। और गांव की जी की बढ़ना का सिस्टम ऐसा बिंग तो बिंग माँ महाराज गौशाला रजिस्ट्रेशन तो पहली हो चुकी हो, परंतु रजिस्ट्रेशन हो बाद में हमारी यहाँ गौशाला चालू हुई। श्री कृष्ण चंद्र सिल्लू इन रजिस्ट्रेशन करायो और वो लगभग आज 20 साल पहले रजिस्ट्रेशन हो बिंग बाद में कालू सिंह ने गांव चुनो अध्यक्ष सिंह और बीह जी को निर्माण कार्य सारो शुरू हो। और संत माँ स्वामी राम भगत जी जी का कथावाचक का माँ मैंने प्रेरणा दी कि अगर गौशाला हो सी तो ही जिंदा होनी तो जिंदा को रेस को ई वास्तु थे मुसलमान हो या मर जाओ या मैं मरनो है तो वहाँ ई साहब की प्रेरणा तैयार करके वहाँ कहो भी अगर गौशाला नहीं है तो मैं अठे मरूँगा समाधि लूँगा। वो मारे युवा शक्ति मान लो गाँव मानो पूरे गाँव को जन सहयोग ला गए और वो जोश हो भी जोश हूँ ऐ जगह खड्डा भरना वो काम करना और स्थापना शुरू हुई समस्त ग्राम वास्ते वो जबरदस्त सहयोग है जी। बिंग बाद में रुगवीर गोदारा जिका गांव का लंबरदारा का पोतो है वो जिका हमारे गांव का गांव बसा है भागीरथ जी का लड़का है वह अध्यक्ष है। अब भागीरथ जी पंथड़ी अध्यक्ष है मौके पर। संख्या 400 है जी लगभग। क्यों डॉक्टर साहब 400 बीच में जी। माँ नीम रखाई हरिराम सिल्लू जिका मुख्य इनमें काम दियो बने और इंगे नीम रखी भी टाइम अगर गांव की नीम नहीं रखो मंदिर में गम है तो मैं समाधि लूँगा तो बिंगे रूप में बने हो गाँव का सहयोग बने है और इतो भव्य मंदिर है जी टाइम भी बने हो नहीं भी टाइम इतनी इंगी ऊंचाई है तो आज भी इंगी ऊंचाई इतनी बरकरार है। इंमा सहयोग माने कनक सिंह जी के परिवार को सबू ज़्यादा रेड़ो है जी चार दीवारी में और वह भी टाइम इंस्पेक्टर आ और वहाँ के जितनी ईंट थारू लगा बाल लगाओ और मैं ईंट दूंगा और थे लगाओ। और मारे गाँव में जिया एक गौशाला है कृष्ण गौशाला तो बिंगी बहुत तकड़ी जिया मान्यता है गौशाला बहुत बढ़िया गौशाला चल है। मारे गाँव में जिया कोई सुना पशु कौन मिला कटी गाँव के अंदर
एक भी था गलियां के अंदर सुनो को अल्लाह दे वो। गोवंश में कितनी संख्या है? संख्या है 400 के लगभग। और बहुत अच्छी गांव के अंदर ये है, गांव के सहयोग भी चलन लग रही है और गांव में भी व्यवस्था करने लग रही है। आदमी मजदूर सब कुछ है भी अंदर है। गांव का लोग सुबह शाम ने जावे, महिला है और गोएगी सुबह शाम आरती हुए पूजा हुए, महिलाएं है वे जावे सुबह शाम गो सफाई कर गया गौशाला की, और हर इतवार की जो सत्संग हुए महिलाओं द्वारा बहुत सुंदर है गौशाला। हाँ गौशाला साहब, वो गौशाला एक संत महात्मा ही आयो बोले कि यार गौशाला में मेसाला सर जाता माने के वो थेसाला सर जाओ थे अठे भगवान सर अठे ही है। मैं मैंने संकल्प कराया फिर 5-7 आदमी मैंने बोले कि थे हिंदू हो जाए तो गौशाला मना मैंने जगह कौन मिली थी। फिर मैं क्यों भी संकल्प ले रहा, मैं 11 आदमी लड़ गए 1000 रुपया चंद करके 11000 रुपया भेड़ा कराया। अठ एक कोई हरिजन को प्लाट बोल ले गया, मैं आप खुद भी मेहनत करी 7 दिन में सलाह सर चढ़ाएंगे टाल कर दिया। 7 दिन में भी मैं झाड़का कटाया भी मैं सरकना बढ़ाया यानी छप्पर बना के गौशाला एक मैं नियम चालू कर दियो। बाहर गौशाला में तो बहुत ही ज़्यादा सहयोग, बहुत ही ज़्यादा सहयोग हो रहा, तो बहुत सी प्रगति पर है गौशाला में, बहुत ही अच्छी पशु है, अच्छी देखभाल है, बड़ी सेवा हुआ है पशुओं की। ओ मंदिर ये गाँव गए भोमिया जी को है जिका सुरजा राम जी गुदारा माने लोग भोमिया जी के रूप में सारो गाँव ही पूजे है जिके को दृश्य थे सामने देखने लाग रहे हो। ये मंदिर के प्रांगण में एक हवन कुंड भी बनेड़ो है और इंगे चारों तरफ चार द्वारी करेड़ी है और इंगे सारे ही जोड़ है जिके को दृश्य थे देखनी लाग रहे हो। आ छत्री सुरजा राम गोदारा जी को भोमिया जी है मांगी है। ओ भोमिया जी को मंदिर है जी को जोड़े गए किनारे पर ही बनेड़ो है। ओ ही गांव को ठाकुर जी को प्राचीन मंदिर है जी को पहली छोटो और पुरानो मंदिर हो वो खंडित होने के बाद में इंगो दोबारा नयो निर्माण करवायो गयो है और बहुत ही अच्छी डिजाइन बना रखे है, रंग रोगन भी बहुत सुंदर कर रखे है। ये मंदिर को निर्माण है जिको 1974 में करेड़ो बतावा है। वो ही भोमिया जी के मंदिर के सारे ही वो मंदिर है। थे मेरे चैनल पर नया हो तो मेरे चैनल ने लाइक व सब्सक्राइब करो और सागे इंगे सारे एक घंटी को निशान है वो भी दबाइयो जिको ईसा वीडियो थार तक जल्दी आ सके। ये ठाकुर जी के मंदिर में श्री गणेश जी महाराज की प्रतिमा भी स्थापित करेड़ी है। बीच वाले मंदिर में श्री राधा कृष्ण जी की प्रतिमा है जी की स्थापित करेड़ी है जो खूबसूरत बनी हुई है। ये मंदिर में सागे श्री बालाजी महाराज की एक प्रतिमा भी स्थापित करेड़ी है जिके का दर्शन थे सामने करनी लाग रहे हो। सागे ये मंदिर में एक वाद्य यंत्र भी रखेड़ो है जिको आरती के समय सुबह शाम है बजायो जावे है। वो मंदिर गोगा जी महाराज को है, गोगा मेड़ी जी की निकव है, बाई गाँव की सारों प्राचीन गोगा मेड़ी है जी की को दृश्य थे देखनी लाग रहा हो। गोगा मेड़ी को जी को मंदिर है ओ हाँ प्राचीन मंदिरों में एक है।
वो मंदिर कंवर केसरा जी को है जी को एक खुले प्रांगण में बनेड़ो है। ये मंदिर में कंवर केसरा जी की प्रतिमा लागड़ी है जी की का दर्शन थे करण लाग रहे हो। गांव गए लोगों को मानना है कि जी के आदमी ने कोई सर्प या जहरीलो जानवर खा जे है तो वो ई मंदिर पर आने के बाद जल्दी स्वस्थ हो जाए। हाँ, लोगों की आस्था और विश्वास है। वो गांव गए ग्वाड़ के बीच में बाबा रामदेव जी को मंदिर है जी के को अभी कुछ साल पहले नव निर्माण करवायो गयो है। पहली अठे एक कच्चो और छोटो मंदिर हो वो खंडित होने के बाद में अठे नयो मंदिर बनायो गयो है। ये गांव में जितना ही मंदिर बनेड़ा है वह सारा गांव का जन सहयोग ही बनेड़ा है। हाँ, सारा मंदिरों के बारे में अठे का बुजुर्ग लालचंद स्वामी और बुद्ध राम और अठे का वर्तमान सरपंच राजेश कुमार नायक है जी का मैंने जानकारी दी जी की मैं दिखानी चाहूँगा था ने। हाँ, आप जी की मेड़ी है गोगा जी की मेड़ी है ना। हाँ, पहले आ यही होती और इन पर लोगों को विश्वास होता और फिर इनको विश्वास अटक हो या नहीं अठे में सफलता हुई और मिली को नहीं जाना फिर कौन कैसे जी को थान बीच में मनायो बीच में एक दो बार पान ला गया साफ खा गया जाना वो प्रकट को नहीं हुआ यानी भाई फायदा को नहीं हुआ जाना फिर कौन कैसे जी को थान मनायो बाद में कौन कैसे जी के बाद में वो मिंदर मनायो वो ये कोई संत महात्मा आए अठे अभी वजह से वो गाँव गाँव ने क्यों बोले अभी गाँव में मिंदर नहीं बने वो गाँव बढ़िया कौन हुए धर्मों का काम है मिंदर तो होता पर भी मैं पूजा कौन होते नहीं एक कच्चो मिंदर हो तो बिंग कोई पूजा पाजा होती कौन जाना गाँव का सहयोग छूँ वो मिंदर मनायो वो मैं देख रहे मैं मनायो साहब मेरी मैं जवान हो बीन टाइम मैं एक जवान हो ना बीन टाइम मनायो अभी गोगा मेरी अब मेरे छू पहली आज शुरू पोत की आवे गोगा जी वाली मेरी अच्छा वो जी को और किसा किसा मंदिर है थारे गांव रामदेव जी को मंदिर अब थोड़ा ही साल हो गया अब भी मनायो इन्हें वो जी को छतरी है आज सूर्य गोदारे की भूमि जी की छतरी है अभी बाद में अब भी मनाई है बहुत सी मतलब कम टाइम में मनी है और तो कंवर केसर जी को मंदिर है एक स्थान है बस यही है साहब मिंद्राम सही है। हमारे गांव में मंदिर जी यहाँ दो ठाकुर जी के मंदिर है एक रामदेव जी को है गोगे जी की मेड़ियाँ चार पांच है और कंवर जी को चौक है लिंगी तो बहुत तकड़ी है जी यहाँ हमारे मान्यता है गांव के अंदर जी यहाँ भी साफ स्लेटा या ये बिच्छू कांटो काट दे तो हमारे अठे बहुत तकड़ो राम आवे मतलब कोई प्रकार को हल को नहीं बैठे अभी यहाँ सही हो गई जावे जी का मंदिर बने रहे सारा जी का गांव के जन सहयोग बने हाँ जी गांव के जन सहयोग से ही बना है मंदिर है वे गांव के जन सहयोग बने हैं जन सहयोग ही चलन लग रही है पूजा पाठ सब कुछ जन सहयोग मंदिर है एक तो वो मंदिर है जो रामदेव जी बाबा को मान लिया पुरानो और अब फोड़ के नयो बना लियो मैं है एक मारो मान लिया पुरानो मंदिर हो तो अब है कोनी मंदिर हाँ ठाकुर जी को दादो रामलाल मारे तो हाँ मारा तो कह दो मंदिर थाने बताया तो गांव में ओ इन गांव को गुआड़ जी कहने चौपाल बोला बिंगमा बीच में एक त्रिवेणी बनेड़ी है जी के उदृश्य थे देखने लाग रहे हो। आशा करूँ कि थाने वो वीडियो पसंद आयो होगो। धन्यवाद। जय हिंद। जय राजस्थान। जय भारत।